हेलो दोस्तों, मैं हूं जफर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे सर पे रुमाल क्यों बंधा हुआ है, तो मैं बता दूं, ये रुमाल इसलिए बंधा हुआ है कि ये जगह पे गर्मी बहुत है। तो आप सोच रहे होंगे मुंबई में इतनी गर्मी कहाँ पड़ती कि रुमाल बांधना पड़ जाए। तो दोस्तों, मैं मुंबई में नहीं हूँ आज मैं हूँ किशनपुर में, जो पड़ता है यूपी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। आपको मैंने मुंबई की बहुत सी चीज़ें दिखाई, आज सोच रहा हूँ आपको किशनपुर घुमा दूँ। तो चलते हैं एक छोटी सी ट्रिप पे ऑफ किशनपुर। किशनपुर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में आता है। किशनपुर एक टाउन एरिया है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको प्रयागराज या कानपुर स्टेशन उतर के बस या टैक्सी पकड़ना होता है। कानपुर यहाँ से 133 किलोमीटर दूर है और प्रयागराज 103 किलोमीटर। किशनपुर में जब मैं आया तो आने से पहले मेरी उम्मीद ये थी कि यहाँ पर कच्चे घर देखने मिलेंगे और कुओं से या हैंडपंप से पानी भरना पड़ेगा और शायद यहाँ पर बत्ती ना हो, तो बत्ती से मुझे परेशानी होगी क्योंकि बत्ती नहीं होगी तो पंखे लाइट की तकलीफ हो सकती है। मगर जब मैं किशनपुर में आया तो इस चीज़ ने मुझे गलत कर दिया कि किशनपुर आउटडेटेड है। किशनपुर में प्रॉपर सबके घर बने हुए थे, पक्के सबके यहाँ प्रॉपर पानी की सेवाएं थी, बत्ती प्रॉपर तरीके से दी गई थी और प्रॉपर रहती है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ रहने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। किशनपुर में बहुत सी खूबसूरत दरगाह हैं, मस्जिदें हैं और मंदिर हैं, जिसे देख के आपको उसमें यूपी के कारीगरों की अहमियत और खूबसूरती का और काबिलियत का अंदाजा देखने मिलेगा। किशनपुर की हर एक गली अपनी खूबसूरती बयान करती है, हर एक गली में हर एक घर अपने कल्चरों को दिखाता है। किशनपुर अपने में सबसे पहला टाउन एरिया है जहां अंडरग्राउंड वाटर सीवेज है, जिसकी वजह से आपको बहते हुए नाले नहीं दिखाई देंगे, ऊपर से कोई नाला कहीं भी आपको बहता हुआ नहीं दिखेगा। किशनपुर के बाजार में रोज के इस्तेमाल के लिए हर चीजें आराम से मिल जाती हैं, चाहे वो कप हो, झाड़ू हो या मोबाइल फोन क्यों ना हो। यहाँ भाजी की मार्केट हफ्ते में दो बार लगती है, फर्स्ट वेडनेसडे के दिन और दूसरी सैटरडे के दिन, जहाँ दूर दूर से किसान आते हैं अपने
वेजिटेबल से लेकर और यहाँ के मार्केट में सस्ते भाव में बेचते हैं और यहाँ के लोग इस भाजी को इस्तेमाल करते हैं जो फ्रेश और एकदम फ्रेश होती है। वीडियो में आप भाजी का कलर देख के समझ ही गए होंगे कि ये भाजियां कितनी फ्रेश है और अच्छी क्वालिटी की हैं। यहाँ पर भाजियों के साथ कोई भी छिड़कानी या मिलावट नहीं होती है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही मजाकिया हैं और सबसे अच्छी इनकी बोली लगती है जो सुनने में बहुत ही ज्यादा मीठी है। Last but not the least, the center point of attraction of किशनपुर, जिसे बोल सकते हैं सबसे बेहतरीन जगह जो किशनपुर में देखने लायक है, वो है रामलीला मैदान और जमुना नदी का तट। रामलीला मैदान में दशहरे का मेला लगता है और जब मेला लगता है तो यहाँ इतनी पब्लिक होती है जो इस पूरे मैदान को कवर कर लेती है। उसकी वीडियोस आप दूसरे YouTube वीडियोस में देख सकते हैं कि रामलीला में कैसे मेला लगता है। रामलीला मैदान में मेले का वक्त ऐसा होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों जुगनू एक ही गुच्छा बना के एक ही जगह पे लगे हुए हैं और उसकी चमक से आंखें भर आती है। जो सुकून हम शहरों में ढूंढते हैं और भागम भाग की जिंदगी में हम भूल गए हैं, वो सुकून गांव में मिलता है। अगर आप शहरों से परेशान हो गए तो जरूर शहरों से बाहर निकलिए और इन छोटे छोटे गांव में जाकर इनका लाभ उठाएं। वाकई मानिए आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा और कुछ जरूर चेंज मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। आपको जफर की तरफ से अदाब वसीम।